गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3। तो चलिए बिना देरी करे डिस्कस करते हैं। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मीन्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, हम अपने डेली जीवन में देखते हैं बहुत सारी घटनाएं होती है जहाँ पे अलग अलग वस्तुओं की आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है, मीन चेंजेस होते हैं। तो बच्चों, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नई वस्तुएं बनती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नई वस्तुएं नहीं बनती। तो बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती उसको हम कहेंगे भौतिक चेंज, मीन्स फिजिकल चेंजेस। और ऐसे चेंजेस बच्चों जिसमें हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं उसको हम कहेंगे रासायनिक या फिर केमिकल चेंजेस। तो चलिए एक बार डेफिनेशन के अलावा इनको एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि पौधों का बढ़ना, बर्फ का पिघलना, कागज़ का जलना, दही का जमना, लोहे में जंग लगना। तो बच्चों, क्या बता सकते हैं इसमें से भौतिक और रासायनिक कौन से हैं? देखिए, आप इनमें से उनको टिक कीजिए जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा हो। ठीक है, जिसमें कोई नया पदार्थ बनेगा तो हमारा क्या होगा बच्चों, वो आपका कहलाएगा रासायनिक चेंज। देखिए, जो कागज़ है, एक बार कागज़ जल गया तो क्या वो जला हुआ कागज़ फिर से बिल्कुल पुराने कागज़ जैसा हो सकता है? नहीं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक चेंज। जिस पे मैं ऐसे क्रॉस लगाऊंगी तो आप समझ लीजिए वो क्या हो गया आपके रासायनिक चेंज। बच्चों, दही है, आपने दूध की दही जमा दी तो क्या आप दही से दोबारा दूध जमा सकते हैं? नहीं। दूध की एक नई चीज़ बनी है जिसको हम कहेंगे दही। तो ये भी आपका क्या हुआ? रासायनिक चेंज, ये भौतिक चेंज नहीं है। बच्चों, लोहे में जंग लग गया तो क्या इस लोहे को हम दोबारा से नॉर्मल बना सकते हैं? वैसे बना सकते हैं, बट इसमें नई चीज़ें ऐड होगी तो ये आपके वैसे रासायनिक, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं तो ये आपका रासायनिक चेंज में ही आता है। बर्फ़ का पिघलना, बच्चों जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या हम उसको दोबारा जमा के पानी बर्फ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसमें कोई नई वस्तु नहीं बन रही और ये पुरानी वस्तु दोबारा से बन जाएगी, तो ये हमारा क्या कहेगा? भौतिक परिवर्तन, मीन्स फिजिकल चेंज। जो राइट है मीन्स दे आर फिजिकल, जो क्रॉस है वो रासायनिक मीन्स केमिकल। पौधों का बढ़ना, क्या बच्चों बड़ा हुआ पौधा फिर से छोटा बन सकता है? नहीं। तो ये भी हमारा हुआ रासायनिक चेंज। पेंसिल का टूटना, क्या टूटी हुई पेंसिल फिर से बन सकती है? नहीं। इसमें नया पदार्थ बना तो ये भी हमारा क्या हुआ? रासायनिक चेंज। तो बच्चों, अब हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल्स जो कि रासायनिक चेंज के थे मेनली, और भौतिक चेंज के काम थे। भौतिक चेंज का और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप रोटी बनाने का एग्जांपल लीजिए। रोटी का जो आटा होता है उसको हमने पहले आटे में गूंदा, तो उससे हम क्या दोबारा वो पाउडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं। तो वो आपका क्या हो गया? रासायनिक चेंज। और लेकिन गूंदे हुए आटों की जब हम लोई बनाते हैं और उस लोई को हम दोबारा आटे में मिला देते हैं, हमने जब लोई बनाई तो उसका आकार चेंज हुआ, लेकिन उसको हम दोबारा अगर आटे में मिला देंगे तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे भौतिक चेंज। और रोटी को पकने के बाद क्या हम उसको दोबारा कच्ची कर सकते हैं? नहीं। तो ये हुआ आपका रासायनिक चेंज। ठीक है, अब इसके बाद है, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं। कोई दो उदाहरण बताओ, जैसे कि मैंने आपको रोटी वाला एग्जाम्पल दिया और बर्फ वाला एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो वो आपका रासायनिक चेंज में नहीं आएगा, भौतिक में ही आएगा। क्योंकि उसमें क्या है बच्चों कि जो बर्फ है वो पिघल रही है और पिघली हुई बर्फ को हम फिर से जमा सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? भौतिक। और इसके अलावा आप एग्जांपल अगर आप आयरन की कील का लेंगे तो उसमें आप जंग लगी हुई कील को अब अगर आप सैंड पेपर से घिस देंगे तो, या फिर उस पर कुछ ऑब्जेक्ट पे कुछ तेल वगैरह लगा देंगे तो फिर से यूज़ करने लायक हो जाती है। तो ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? रिवर्सिबल या फिर भौतिक और रासायनिक चेंज के एग्जाम्पल। तो बच्चों, आज की जो विज्ञान की वर्कशीट ही छोटी सी ही थी जिसमें हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल देखे और उनके बेसिक को समझा।
तो आज की वर्कशीट इतनी ही थी, और इसके अलावा क्लास 7th की आपकी जो दूसरी जेनरिक वर्कशीट है वो भी इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं वर्कशीट करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।